हे हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं होस्ट रमन, आपका अगेन वेलकम बैक टू अवारा। और ये वीडियो मैं सीधा अपने गांव बिहार से बना रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो आपको मिर्ज़ापुर 2 सीज़न में मिल जाएगा, जहाँ मेरा गांव बिलोंग करता है। अगर आपने मिर्ज़ापुर 2 सीरीज़ देखा है, वहाँ पर आपको जब बिहार का सीन आता है, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया जाता है, वही डिस्ट्रिक्ट मेरे गांव में पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है, ये मेरे ड्रोन के ऊपर होने वाली है। जो मेरा मैविक मिनी ड्रोन है, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। जो गिम्बल है वो ओवरलोड हो के मतलब हिलने लग जा रहा है। आप साइड में वीडियो देख लीजिए, जब जब चल रहा है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक्चुअली, आपको पता है कि रिसेंटली मेरा गोप्रो 7 ब्लैक ख़राब हो गया, और ख़राब होने के कारण बड़ी मतलब कि यहाँ पर इंडिया में एक तो सर्विस सेंटर नहीं था इसका। सर्विस सेंटर ना होने के कारण गोप्रो मैंने खुद से खोला और चेक किया, बट कोई काम नहीं बना। मुझे टेंशन होने लगी थी अपने DJI मैविक मिनी की कि इसका अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक पहले से ही धक्का लग चुका हुआ है गोप्रो का। तो मैंने सर्विस सेंटर पता किया कि इंडिया में है कि नहीं है, तो वही मुझे पता लगा कि इंडिया में इसका भी सर्विस सेंटर नहीं है। और अगर आपकी वारंटी में है तो आपको बाहर भेजना पड़ेगा, जहाँ इसका नज़दीक कि आपका सर्विस सेंटर पड़ता है। तो मेरी इसमें जस्ट प्रॉब्लम ये थी कि जब ड्रोन फ्लाई करता है, अगर वाइंड में ज़्यादा आ जाता है तो गिम्बल जो है वो हिलने लग जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ ऊपर से नीचे अप डाउन करने के लिए, तो वो डाउन अप टू डाउन नहीं जा पाता, क्योंकि इसमें गिम्बल का एरर आने लग जाता है। गिम्बल रिटोर्ट नहीं करता, गिम्बल घूमता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम मैंने फिर यूट्यूब पर बहुत सर्च किया, बहुत सारी वीडियो देखी, और मैं लाइव एक्सपेरिमेंट आपके सामने करने वाला हूँ। मुझे बताया गया कि आप क्या करो, किसी भी चीज़ को, चाहे आप स्ट्रो ले सकते हो जो जूस के पैकेट के साथ मिलता है। तो फिलहाल मैं गांव में हूँ, तो मेरे को बाज़ार में जाना पड़ेगा वो सब ख़रीदने के लिए। तो मेरे घर में पेन पड़ा हुआ था, तो ये पेन को मैं यूज़ में लेने वाला हूँ, और पीछे से इसका मैं कैप खोल देता हूँ, और आगे से इसका काम ये होगा कि ये डायरेक्ट हवा मेरे जहाँ गिम्बल है उसमें डस्ट कहीं ना कहीं पार्टिकल फंसे होंगे, और वो डस्ट पार्टिकल को मेरे को निकालना है। क्योंकि जितने भी मैंने वीडियो देखे यूट्यूब के ऊपर, सब ने यही बताया था कि जब हम ड्रोन को फ्लाई करते हैं ग्राउंड लेवल से, तो वहाँ पर बहुत सारे डस्ट होते हैं, वो डस्ट उड़कर आपके गिम्बल में जाकर चले जाते हैं, और छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं वो हमको भी नहीं दिखते हैं। और गिम्बल में जितना भी मतलब कि मोटर वगैरह लगा, वो बिल्कुल एकदम पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल उसके अंदर आराम से चले जाएंगे, हमको भी पता नहीं चलेगा। तो हम फटाफट अपने ड्रोन को खोलते हैं। अभी सनसेट का सीन होने वाला है दोस्तों, तो थोड़ी देर बाद मैं सनसेट का सीन लूँगा, और वहाँ उसमें टेस्ट भी हो जाएगा कि गिम्बल में प्रॉब्लम गया कि नहीं। तो ये गिम्बल है, आप देख सकते हो इसमें का। तो इसमें मैं अभी हवा से इसमें साइड में छोटे छोटे से, यहाँ पर साइड में जो रिटोर्ट करता है इसका मोटर चलता है, उसमें साइड में थोड़ी थोड़ी स्पेस है। तो मैं क्या करता हूँ, पेन से थोड़े थोड़े जो स्पेस आ रहे हैं उसमें डस्ट को उड़ाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे पता है कि वीडियो देखने वाले में से कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको पता है, जिनके पास ये ड्रोन ज़रूर होगा, तो उनके लिए एक मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब ड्रोन फ्लाई करते हो तो आप यूज़ करो पैड को, या फिर हाथ से फ्लाई कर लो, या फिर जब आप लैंड करते हो तो हाथी पे लैंड करो, या फिर एक पैड आता है उस पर थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, वो आपके लिए सेफ़ रहेगा। पहले मैं ये सोचता था कि जो लैंड करने के लिए जो सरफेस आता है बाय करने के लिए, वो क्या है, वो तो वेस्ट है। बट सही में अगर वो चीज़ आप यूज़ करोगे तो आपका जो पूरा गिम्बल का है वो सेफ्टी रहेगा, क्योंकि अगर आप लैंड से जब आप इसको उड़ाते हो तो पक्का पार्टिकल ज़रूर इसके अंदर जाएंगे। मेरी कई वीडियो में मैंने देखा, मैंने ऐसी लैंड से इसको उड़ाया और बहुत सारी डस्ट में चली गई, उसी करके इस गिम्बल में एरर आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल इसको साफ़ कर दिया है, अब मैं इसको फ्लाई करता हूँ। सनसेट होने वाला है, मैं आपको गाँव का सीन दिखाऊँ तो आपको दिखाता हूँ।